मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से है, जहां पर कार हादसे में चार राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ियों की मौत हो गई है। वहीं इस भीषण दुर्घटना में तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इन लोगों की तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे ये हादसा सामने आया है। तो चारों मृतक ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट में खेलने आए थे। कार में कुल सात हॉकी खिलाड़ी सवार थे और ये सभी खिलाड़ी होशंगाबाद से इटारसी जा रहे थे कि इसी दौरान इनकी कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। टकराने के बाद कार पलटकर सड़क के नीचे जा गिरी और इस हादसे में चार खिलाड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चार राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की मौत हो गई है कार हादसे में। पेड़ से, कहा जा रहा है कि कार अचानक अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जाकर टकरा गई, जिसके बाद ये हादसा सामने आया है। और तीन लोग इसमें बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं। कुल सात लोग इस कार में सवार थे, चार की मौत और तीन की हालत बेहद नाजुक, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो NH-69 पर रसलूर गांव के पास ये हादसा हुआ है। ध्यानचंद ट्रॉफी में हिस्सा लेने ये खिलाड़ी सभी निकले थे कि इसी दौरान इनका हादसे से सामना हो गया। इटारसी से होशंगाबाद की ओर खिलाड़ी जा रहे थे। तो भीषण सड़क हादसा MP के होशंगाबाद में सामने आया है। चार नेशनल हॉकी खिलाड़ियों की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई है। तो रैसलपुर गांव के पास NH-69 का यह मामला है। ध्यानचंद ट्रॉफी में हिस्सा लेने जा रहे थे कि इसी दौरान सातों के सात खिलाड़ी जो कार में सवार थे, उनमें से चार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं तीन की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।